अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया कि न्यू हार्ड वॉल पे आप आउट स्विंग कैसे कर सकते हो, तो अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं आपको तरीका बताऊँगा और बाकी जो इंटरनेशनल बॉलर्स है, तो चलो अदरवाइज मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक वही तरीका आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। उसके लिए आपका ये रिस्ट सबसे पहले मज़बूत होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो पॉज बढ़ रहे हैं पाकिस्तानी इंटरनेशनल में, जिस तरह मोहम्मद आमिर है, शाहीन अफरीदी है और नसीम शाह, तो वो ज़्यादातर कलाई का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे पहले आपका ये जो रिस्ट होता है ये हमारा मज़बूत होना चाहिए, क्योंकि इसके साथ साथ आपने जब ये बॉल स्पीड से डिलीवर करते हो तो उस रिस्ट की वजह से, वो स्पीड की वजह से वो बॉल आपकी बहुत ज़्यादा स्विंग होगी। ये न्यू बॉल पे मैं आपको बता रहा हूँ, जो न्यू बॉल होता है उस पे जब आप अटैक बॉलर आते हैं या दूसरा बॉलर आता है, जब तक ये बॉल यूज़ नहीं होता तकरीबन 10 ओवर के बाद ये बॉल एक साइड पे शाइन रह जाता है और दूसरे साइड जो उसका होता है वो थोड़ा सा रफ होता है, तो उस पे भी कुछ बॉलर जो है ना वो रिवर्स स्विंग कर सकते हैं, उस पे आप कटर भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ आउट स्विंग का, और इन स्विंग का भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगी तो वो भी आप और डिटेल के साथ देख लेना। तो अभी मैं आपको तरीका बता दूँ, तरीका सेम है जिस तरह बाकी बॉलर अपने तरीक़ों में या अपना जो बॉलिंग स्टाइल दिखाते हैं उसमें या ग्रिपिंग दिखाते हैं कि इस तरह आपकी ये ग्रिपिंग होगी, बिल्कुल वही तरीका है। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तरीका इजी है इसका, लेकिन इसके साथ साथ आप आपकी ये जो मसल्स है या आपकी जो बॉडी है, जो पॉज बॉलर के लिए या जो एक्सरसाइज होते हैं या ट्रिक्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, पूर्ज होता है, वो सब आपने सबसे पहले अपने जहन में रख लेना है। और दूसरी बात यह है कि आपकी ये रिस्ट मजबूत होनी चाहिए, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। रिस्ट आप कैसे मजबूत कर सकते हो, आप इसके लिए बाज़ार में जो इसके इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, जो औज़ार मिलते हैं, उसके साथ भी आप रिस्ट को मजबूत कर सकते हैं। जिम में जाके आप इसके एक्सरसाइज लगा सकते हैं। जब आपका ये रिस्ट मजबूत होगा तब आप हर चीज़ कर सकोगे, आपकी बॉल में स्पीड भी आएगी और ये काम आता है हमारा जो हम बॉल डिलीवर करते हैं, तो उसके लिए हमारा ये जो रेस्ट होता है ये बिल्कुल लॉक होता है। लॉक का मतलब जो मोहम्मद आमिर कहता है कि आपकी जो रेस्ट है ये लॉक होनी चाहिए और ये गिरनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपका रेस्ट गिर जाता है तब इसमें आपका इन स्विंग आउट स्विंग ये अगर हो भी जाए तो वो आपको उस स्पीड में नहीं है, स्पीड के साथ नहीं होगा, तो आपका रेस्ट बिल्कुल लॉक होना चाहिए। सबसे पहले आपने इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। आप किसी एकेडमी में अगर जाते हो या अपने घर में अगर आपने कोई नेट लगाया हो, कोई सेटअप किया हुआ हो, तो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी पुराने बाल से आप कर लो या चाहे आप नए बाल के साथ भी कर सकते हो। पुराने बाल से इस वजह से कह रहे हैं ताकि आपके मसल्स रेडी हो जाएँ, फिर जब आपका वो प्रैक्टिस उस पर ज़्यादा हो जाएगा पुराने बाल पर, क्योंकि उस पर जोर लगता है बॉलर को बाल डिलीवर करने पर, तो तब आपकी जो कलाई है या ये बाजू वगैरह ये सारा कुछ जो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, तब आप स्पीड के साथ बाल को इन स्विंग और आउट स्विंग कर सकते हो। चलो अब जाते हैं तरीके की तरफ। बिल्कुल ये आपका ग्रिप होगा, ये मैंने आपको पहले बताया है कि ये न्यू बॉल है। अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ, ये बिल्कुल मैं फ्रंट पे रखता हूँ। अभी मैं आपको आउट स्विंग का तरीका बताता हूँ। आउट स्विंग में आपने बाल को थोड़ा सा इधर ये टेढ़ा करना पड़ता है, यहाँ से ये आप देख सकते हैं, यानी ये जो सलाई आपको नज़र आ रही है इसको थोड़ा सा स्लिप के साइड पे आपने रखनी होती है। जब आप उधर आओगे बाल रिलीज़ करोगे तो रिलीज़ करते वक्त आपकी ये रिस्ट में, फिर बता रहा हूँ, गिरनी नहीं चाहिए इस तरह या इस तरह नहीं होनी चाहिए। आपका इस फिंगर का इस्तेमाल होता है और आपके ये जो रिस्ट है इसका कमाल होता है। ये जो बॉलर ज़्यादातर इस तरह करते हैं तो ये अपनी अपनी जो रेस्ट है उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप आउट स्विंग के लिए यही तरीका वो करते हैं, तो उस वजह से आपकी ये रेस्ट बिल्कुल लॉक होनी चाहिए। यहाँ से आपकी रेस्ट आएगी जिस तरह अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका ये हैंड आएगा यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा, बिल्कुल आपका ये हाथ सीधा होगा। अच्छा अभी बताता हूँ, ये सलाई आपने अप स्टंप की तरफ थोड़ी सी लेके जानी है इस तरफ, और फिर जब आप बाल रिलीज़ करोगे आप बाल को इधर भी पकड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सलाई के इस साइड पे मेरी ये उंगली आई है, तो ये बाल को सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो मेरे जो मैंने खुद मैचेस खेले हैं और जो
बाकी बजट भी बताते हैं और आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा। ये जनरल सी बात है कि जब यहाँ पे सलाई के ऊपर आपका ये फिंगर आएगा तो इसको सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा, तो इस सपोर्ट की वजह से आपको स्विंग भी ज़्यादा मिलेगी। मुझे जो रिस्पांस मिला है उस वजह से मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ, इतना ये दे सकता हूँ। तो यहाँ पर आपकी इस तरह बाल होगी, ये मेरी रिस्ट ब्लॉक है, आपका यहाँ पे ये बाल आ गया, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा इसको आपने टेढ़ा करना पड़ता है। ये जब टपक आएगी यहाँ पे, ये बाल ऐसे जाएगी बैट्समैन की तरफ, ऐसे जब ऐसे जाएगी टपक आके ये सीधा बाहर की तरफ जो है ना वो जाएगी, ये ऐसे ऐसे। तो ये आप वो बाकी मैं आपको तरीके बताता हूँ, प्रैक्टिस जब आप करोगे तो इंशाल्लाह आपकी बॉलिंग में बहुत ज़्यादा स्विंग आएगी। तो आप प्रैक्टिस में आप कर सकते हो, या आप एकेडमी में अगर जा रहे हो तो आप कोच से इस तरीके से वो आप अपनी बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हो। तो इंशाल्लाह आप इस पर ट्राई कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।